फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरफान एंड सना ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, आज का है पहला रोज़ा। हमारी सहरी हो चुकी है, 5:30 हो रहे हैं, सहरी का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। सहरी कर लिया है हमने, चाय पराठा खाया है सहरी में। इरफान भी उठ गए, अभी इरफान नहाने जा रहे हैं बिकॉज उनको ऑफिस जाना है, और मैं भी जाऊंगी इरफान का कपड़ा प्रेस करने के लिए। मैंने सबसे पहले उठी, मैंने सबसे पहले तहज्जुद पढ़ी, फिर हमने नाश्ता किया। अभी मैं फजर की नमाज पढ़ूंगी और थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ के ब्लॉग एडिट करके सो जाऊंगी, और फिर इंशाल्लाह मैं 12 या 1 बजे तक उठूंगी गाइस, बिकॉज मुझे 2 बजे ब्लॉग पोस्ट करना रहता है। और मैं सोच रही हूँ कि जो ब्लॉग का टाइमिंग है ना, अभी चेंज कर दूँ। हम ब्लॉग पोस्ट करते थे 2 बजे, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी हम लोग ब्लॉग पोस्ट करेंगे 8 बजे, ताकि आप लोग आराम से इफ्तारी वगैरह कर लो, और इफ्तारी वगैरह करने के बाद आप लोग आराम से बैठ के हमारे ब्लॉग देखना। तो आप लोग भी हमें जरूर बताना कि हमें जो टाइमिंग है वो यही रख, 2 बजे का ही रखना चाहिए या 8 बजे हमें टाइमिंग चेंज कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो पहली सहरी मुबारक आपको, और इंशाल्लाह आप सबके रोजे अच्छे जाए, और दुआ करना हमारे भी रोजे अच्छे जाए। तो सना कर रही है वाइफ वाला काम जो हर वाइफ करती है। क्या कर रही हो? प्लान कर रही हूँ। तो गाइज, अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। सहरी हो चुकी है हम दोनों की अलहमदिल्ला, और ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ नमाज पढ़ के। इंशाल्लाह अच्छा दिन अच्छा जाए। कि कल और परसों मेरी छुट्टी है। अच्छा है ना, कल और परसों छुट्टी है? अच्छा, दिन तो सो रहे थे, कोई बात नहीं। इरफान यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। सो गाइस, मुझे ऐसा था कि मैं और इरफान साथ में नमाज पढ़े, बट इरफान को बहुत लेट हो रहा है, तो उन्होंने बोले कि, और यहाँ पे स्पेस बहुत थोड़ा सी है, तो इरफान ने बोले कि सुना पहले मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम नमाज़ पढ़ लेना। गुड मॉर्निंग हो चुकी है और नमाज़ भी हो गई है। अभी मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी गाइस। सो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से कल पहला पारा हो चुका है, और अभी मैंने सेकेंड स्टार्ट किया है। सो गाइस, फर्स्ट से 10 पारे बहुत जल्दी हो जाते हैं, बट 10 के बाद आपको बहुत टाइम लगता है पढ़ने के लिए, बिकॉज फर्स्ट पारा तो ऑलमोस्ट मुझे थोड़ा बहुत तो याद ही है स्टार्टिंग का, बिकॉज वो बहुत इजी है स्टार्टिंग का पार्ट, सो मुझे वो याद ही है। सो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा कुरान शरीफ ख़त्म हो। और गाइज, अभी तो बज रहे हैं 3, सो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले जा रही हूँ भजिए जो बनाने हैं, कांदे के भजिए, उसका सिर्फ मसाला लगाने के लिए। सो मैं मसाला भी लगा के रख दूँगी, और फिर जो हमारी इफ्तारी की तैयारी है वो सब असर के बाद से शुरू होगी। मैं यहाँ पर अभी बना रही हूँ कांदे के भजिए, और जो ये भजिए की रेसिपी है वो मुझे मेरी खाला ने दी है, जो कि उन्होंने बोला है कि पहले पतले पतले कांदे काटो, उसमें नमक डालो, हल्दी डालो, मिर्ची डालो और कोथमीर डालो, और उसको डाल के थोड़े टाइम के लिए रख दो। उसमें पानी नहीं डालना, बिकॉज पानी में, बिकॉज प्याज में हम नमक डालेंगे तो प्याज खुद ही उसका पानी छोड़ेगा, और फिर उसमें बेसन डालो और फिर उसको फ्राई कर लो, तो वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। सो मैं आज वो खाला की रेसिपी ट्राई करके देख रही हूँ कि भजिए कैसे बनते हैं, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भजिए कैसे बनेंगे, फिर आप लोग भी ट्राई करना। सो गाइज, मैंने ये कांदे में हल्दी, मिर्ची, नमक और ये कोथमीर डाल दिया। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये मिक्स करने के बाद हालांकि जो इसमें मिर्ची पड़ी है अपने हाथ जलेंगे ना। टेबल पे ये मेंटोस रखी हुई थी, और ऐसा 2 बार हो चुका है कि मेरा वो खाने का मन हो रहा है, मैं उसको देख रही हूँ और सोच रही हूँ अब खा लूँगी, और मैंने एक बार तो उसको उठा भी लिया खाने के लिए, फिर मुझे याद आया कि सना तेरा रोज़ा है, बिकॉज कहीं से एकदम सामने रखी है, मैं यूजुअली उसको सामने ही रखती थी और मैं खाती रहती थी उसको, बट अब मुझे याद आया कि सना रोज़ा है। सो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे ऐसे अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि रोज़े चल रहे हैं। तो गाइस, अभी इरफान भी ऑफिस से आ गए हैं, और मैं और इरफान नीचे उतरे हैं। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो मार्केट है वो कैसा लगता है इफ्तार के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। किसको किसको रोज़ा लगा, सच बताना। मुझे तो नहीं लगा गाइस, इरफान तुम्हें लगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी नहीं लगेगा। और इंशाल्लाह हमारे सब रोज़े ऐसे ही जाएंगे। पानी पिए कि नहीं पिए? पानी गलती से एक ग्लास पी लिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे मार्केट पूरा कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, सारी खाने की चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह कैसा लगता है, अच्छा लगता है। वाओ, तुम ना कम ही आया करो, तुम ज़्यादा आते हो ना। तो मैं रोज करता हूँ, मेरा मजाक उड़ाते हो, तुम कम ही आया करो, चलेगा। देखो यहाँ पे ऐसा पूरा फ्रूट लगेगा, आगे भी यहाँ पे भी फ्रूट्स है। अब इसके आगे जो भी है वो सब इफ्तार का जो सामान फ्राइड आइटम्स होता है वो सब मिलेगा। सो गाइस, देखो यहाँ पे सब खिचड़ा, रगड़ा, चना बटाटा जो भी है वो सब लगा है। यहाँ पे दही वड़ा, ड्रमस्टिक्स, और यहाँ पे खजूर नान। सो गाइस, देखो ये सब पूरा मार्केट लगा है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे,
पूरे एरिया में। हम जो एरिया है वहाँ पे कितनी ट्रैफिक नहीं है, बट इसके अलावा जो मेन एरिया है जहाँ पे मेन मार्केट लगा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है फिलहाल के लिए। यहाँ पे हमारी इफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं सबसे पहले बना रही हूँ सैंडविच, और यहाँ पे ये जो मेरे कांदे के भजे थे वो रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मुझे सिर्फ बेसन मिलाना है। सो गाइस, यहाँ पे मेरा सैंडविच हो रहा है, और यहाँ पे मैंने सेवैयाँ भी ली हूँ, और ये मेरा कबाब का मसाला है। सो मैं भी बना रही हूँ रशियन कबाब, तो उसके लिए मैंने सेवैयाँ लाया है। जो बैटर है, जो कबाब का मसाला है, वो ऑलरेडी मैंने पहले ही बना के रख चुकी थी, तो उसका भी सिर्फ हम लोगों को कबाब बनाना है। सो गाइस, अभी मैं ये जो रशियन कबाब है वो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना उसको डीप फ्राई नहीं किया है, बिकॉज इसमें अंडा है, तो मैं अगर इसको ज़्यादा तेल में डालूंगी तो पूरा तेल खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको तवे पे सेका है। पहले इसमें अंडा लेंगे, और मैंने इसके अंदर चीज़ डाली हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़। तो ऐसे लेंगे, अंडे से निकालेंगे, फिर इसके जो सेवैयाँ लाए थे हम सेवैयों में डालेंगे, और इसको पूरा कवर करेंगे सेवई से। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया है, फिर वो पूरे तेल में अंडे की स्मेल आती है इसलिए। इसमें चीज डाला तो थोड़ा सा मोटा हो गया। गाइस, यहाँ पे मेरे अभी स्प्रिंग रोल फ्राई हो रहे हैं, और ये रश्मि का बाबा भी फ्राई हो गया है, और बाकी के जो है वो फ्राई हो रहे हैं। और गाइस, जरा भी मुझे रोजा नहीं लग रहा है, बिकॉज मैं शायद काम कर रही हूँ, मे भी उसकी वजह से मुझे जरा भी रोजा नहीं लग रहा है। और इरफान को दिखाती हूँ कितना रोजा लग रहा है उनको। रुको, हमेशा ऐसे ही लेटे रहते हो ना तुम, पूरे ब्लॉग में तुम लेटे लेटे ही आते हो इरफान। ऑफिस गया था ना कल के ब्लॉग में, देखना एकदम चुस्त और दुरुस्त रहूंगा कि कल चुस्त और दुरुस्त चुस्त और दुरुस्त रहूंगा क्योंकि कल मेरी है छुट्टी। क्यों, तुम्हें रोजा नहीं लग रहा है? अभी सबको बोल रहे थे नहीं लग रहा है। नहीं, नो ब्रो, मैं तो उठ के बैठो, जाओ नीचे से ठंडा लेकर आओ कुछ। सात बजे के बाद आज बताए मैंने क्या क्या बनाया बताओ। रशियन कबाब, स्प्रिंग रोल, चीज़ के सैंडविच, और रशियन कबाब में भी चीज़ डाला है। चलो चलो, मेरे कबाब जल जाएंगे। मेरे साथ मेरी पार्टनर सुस्तार अब हमेशा की तरह आज भी खड़े हैं मेरे साथ हर चीज़ में। तो मैं यहाँ पे ये फ्राई कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन, और वो वहाँ पे कबाब देख रहे हैं, बिकॉज मैं दोनों कर नहीं पा रही थी, तो वो बिना बोले ही खड़े हो गए। आओ, ज़्यादा तारीफ हो गई हमारी। कांदे का भजिया है, उसका पेस्ट रेडी हो चुका है, मतलब जो मिक्सचर था वो रेडी हो चुका है। अभी हम इसको डालेंगे, इस कांदे के भजिया मैं सेकेंड या थर्ड टाइम बना रही हूँ। इससे पहले बनाई थी वो मेरे खान के लिए बनाई थी, और अब बना रही हूँ वो भी उनके लिए बना रही हूँ, बिकॉज मुझे कांदे के भजिया नहीं पसंद है। और अब देखते हैं खाने की रेसिपी फ्लॉप जाती है कि पास जाती है। मैंने गलती से थोड़ा सा चीज़ खा ली, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि सना नहीं खाना था, बिकॉज ऐसे एक आदत होती है ना, थोड़ा सा कुछ देखे तो फ़ौरन मोमो डाल दिए, थोड़ा सा देखे तो फ़ौरन मोमो डाल दिए। तो गाइस, मैंने वैसे फ़ौरन थोड़ा सा चीज़ मोमो डाल दी थी, फिर मैंने फटाफट करके निकाली जान, मैंने थोड़ा सा चीज़ खा ली थी अभी। सही में इसके लिए बनाने गए थे तुम? नहीं, मैंने तो जाना, वो एक आदत होती है ना कि कुछ भी रखा है तो खा लेने का, तो वैसे ही ना खा ली थी, तो चीज़ निकाली फिर। कुछ नहीं टूटा, ऐसी गलती होती है ना, अल्लाह गलती को माफ कर देते, जानबूझ के नहीं था ये, गलती से था, गलती से मैंने खाई, तो अल्लाह ताला माफ कर देते। अरे जान, सच में खा ली मम्मा, चुप रहो, मुझे भूख नहीं लग रही है। इस भजिए तो दिखने में तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, अभी हम देखेंगे इरफान बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस, ये लजीज खाना तैयार हो चुका है, और सना वहाँ पे क्या कर रहे हो गया, चलो आओ जल्दी। तो गाइस, जो बनाने का काम होता है बहुत हार्ड होता है, हमारा काम तो खाने का होता है, तो थोड़ा सा आसान होता है। तो बस 4 मिनट बाकी है, दुआ पढ़ रहे हैं, और दुआ मांग ली इंशाल्लाह। इसी के साथ हमारा जो ब्लॉग है आज का वो ख़त्म हो रहा है। आपको हमारी आँखें दिख रही होंगी नशे में। एंड गाइस, मुझे खांसी की वजह से थोड़ी सी वॉमिट भी हुई है, सो उसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा पार्ट शूट नहीं किया है। मैं सो गई थी, अभी उठी तो मैंने थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज खाया, बिकॉज भूख लग रही थी, और फिर मैं कुछ भी नहीं ले पाई उसके बाद। सो मैं अभी सोने जा रही हूँ, मैंने सिरप भी अभी मैं पीऊँगी। गाइस, खांसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज, मुझे फर्स्ट टाइम उल्टी भी हुई है,
सो इसी के साथ हमारा ब्लॉग यही ख़त्म होता है। आप लोग हमें दुआ में ज़रूर याद रखना। आई होप आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे, हमारे और दुआ करना कि सना की तबीयत ठीक रहे और इंशाल्लाह वो पूरे रोज़े रहे। इंशाल्लाह आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने से प्यार करिएगा और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।